Hello friends, welcome to my channel English with Chagan Roda. Friends, आज मैं आप लोगों के लिए own heroes, hero worship and the heroic in history जो कि थॉमस कार्लाइल का लिखा हुआ एक लेक्चर सीरीज है उसकी समरी लेके आया हूँ. थॉमस कार्लाइल का जो हीरो वर्शिप है वो सबसे पहले लेक्चर फॉर्म में 1840 में ओरली डिवाइड किया गया था और ओरली डिलीवर्ड करने के बाद इसे 1841 में बुक फॉर्म में लाया गया. ये पांच लेक्चर हैं, हर एक लेक्चर किसी टाइप के हीरो पर है. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हीरो एज डिविनिटी, हीरो को दिव्य माना गया है और इसमें इन्होंने नॉर्स माइथोलॉजी के जो डिविनिटी जो दिव्य हीरो हैं उनको इन पर उन्होंने खास ध्यान दिया है. कार्लाइल बोलते हैं कि ये जो टाइप है सबसे ज्यादा अर्नेस्ट और बहुत जबरदस्त इंप्रेसिव हीरो टाइप है. सेकंड के अंदर हीरो एज ए प्रोफेट, यानी कि हीरो एक पैगंबर के रूप में, जिसके अंदर इन्होंने मोहम्मद साहब और इस्लाम की बात की है. उन्होंने मोहम्मद साहब को इसलिए चुना क्योंकि कार्लाइल कहते हैं मोहम्मद साहब वो प्रोफेट थे जो कि फ्रीएस्ट टू स्पीक, कि उनके बारे में खुलेपन से कुछ भी कहा जा सकता है, यानी कि वो खुलेपन से कुछ भी कह सकते हैं. मोहम्मद साहब ऐसे प्रोफेट थे. तीसरे टाइप में हीरो किसे टाइप में पोइट हीरो की बात करते हैं, इसमें वो दांते और शेक्सपियर को आते हैं. वो कहते हैं कि जिस प्रकार होमर में हम अभी भी पुराने ग्रीस को देखते हैं, पुराने यूनान को देखते हैं, उसी तरह शेक्सपियर और दांते में हजारों साल बाद हमारा मॉडर्न यूरोप में जो फेथ था और जो प्रैक्टिस थी वो तब भी पढ़ी जाएगी. हजारों साल बाद भी हमारे यूरोप के फेथ और प्रैक्टिस को पढ़ा जाएगा. फोर्थ लेक्चर में वो हीरो एज ए प्रीस्ट की बात करते हैं, यानी कि पादरी. इसमें वो रिफॉर्मेशन करने वाले मार्टिन लूथर किंग और प्यूरिटिनिज्म और नॉक्स की बात करते हैं. तो ये कहते हैं कि साहब ये दो व्यक्ति जो हैं उन्हें हम अपने सबसे बेस्ट प्रीस्ट में काउंट करेंगे क्योंकि वो ही हमारे सबसे बेस्ट रिफॉर्मर थे, सबसे अच्छे सुधारक थे. नेक्स्ट फिफ्थ लेक्चर में ये हीरो एज मैन ऑफ लेटर्स, इसके अंदर ये डॉक्टर जॉनसन, रूसो और रॉबर्ट बर्न्स की बात करते हैं. ये जो है हमारा फिफ्थ लेक्चर है, वो कहता है कि मैं इन तीन जेन्युइन मैन को फेथफुली और सबसे ज्यादा कहता है कि ये जो थे अनकॉन्शियसली जेन्युइन होने की कोशिश कर रहे थे और वो Everlasting truth of things पर, जो चीजों का सदा रहने वाला सत्य है उसको प्लांट करने की, उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे थे. फाइनली हीरो एज किंग, अपने सिक्स लेक्चर के अंदर उन्होंने हीरो एज किंग के रूप में क्रोमवेल और नेपोलियन को चुना, और क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने मॉडर्न रिवोल्यूशनिज्म यानी कि आधुनिक क्रांति को भी उन्होंने चुना. द कमांडर ओवर मैन, कि लोगों पर जो कमांडर होता है, ही इज प्रैक्टिकली द समरी फॉर अस ऑफ ऑल द वेरियस फिगर ऑफ हीरोइज्म, कि वो विभिन्न प्रकार की जो हीरोइज्म की फिगर है उनके लिए सिद्धांत प्रैक्टिकल रूप से एक समरी होता है. वो प्रीस्ट, टीचर, व्हाटएवर, या कोई भी अर्थली धरती की या स्पिरिचुअली डिग्निटी या आध्यात्मिक डिग्निटी जो भी हम एक इंसान में मानते हैं वो सब उस कमांडर के अंदर होती है. कार्लाइल ने अपने हीरो को जो काम उन्होंने संसार में किए उनके लिए उनकी प्रशंसा करता है,
उसकी टोन हालांकि उनके उनके बारे में बताते समय भाइयों वाली ज्यादा होती है ना कि उनकी पूजा वाली होती है। वो अपने टिपिकल हीरो को और हीरो और लोगों के लिए एक मोल्ड मानकर पैटर्न बनाता है। वो कहता है कि साहब आप इसकी नकल करते हुए आप अपने हीरो चुनिए। और वो ये भी क्लियर करता है कि अनहीरोइक मैस को इन मासेज अनहीरोइक जनता को इनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार की जो हीरो वर्शिप की तरीका है वो स्पष्ट है कि ये कार्लाइल के बाकी मास्टरपीस में भी है। और ये जो बहुत ज्यादा जो हम सामान्य रीडर है उनके लिए बहुत ज्यादा एग्रीगल है। इसके अंदर एग्जेग्रेशन बढ़ावा बहुत कम है और स्ट्रेनिंग बहुत कम है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।